हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो आज विंग फिर से टनल पार्टी में गया था। पार्टी में बहुत सारे लोग थे एंड सब कोई ना कोई नशा कर रहे थे। लगभग सारे लोग नशे में थे। विंग हाथ में बियर लेके सारे लोग को पास करते हुए अंदर जा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने यहाँ पर एक बार जियांग चेंग को देखा है। वो श्योर नहीं था, पर उसे लग रहा था कि यहाँ पर जियांग चेंग है। तो विंग हर जगह जियांग चेंग को ढूंढने लगा, बट जियांग चेंग उसे कहीं पर भी नहीं मिला। विंग सोच रहा था कि जियांग चेंग चला गया है, पर नहीं, वो तो ऐसा नहीं जाएगा। वो विंग को इरिटेट किए बिना नहीं जाएगा। तो विंग सबका फेस ध्यान से देखने लगा, अगर कोई फैमिलियर मिल जाए, बट यहाँ पर कोई भी फैमिलियर नहीं था। जब विंग ड्रंक रहता है तब सारे लोग उसके लिए फैमिलियर होते हैं, बट अब विंग ड्रंक नहीं था। मेरा मतलब कम्प्लीटली ड्रंक नहीं था। बट एनीवेज, रूम में जियांग चेंग कहीं पर भी नहीं था। फाइनली विंग ने गिव अप कर दिया। अब विंग को सडनली टनल के अंदर बहुत ही अजीब फील हो रहा था, क्योंकि टनल में सब लोग नशे कर रहे थे, तो एक अलग ही स्मेल था, तो विंग को अच्छा नहीं लग रहा था। उसे फ्रेश एयर चाहिए थी, तो वो टनल के बाहर चला गया। टनल के बाहर एक सोफा था, जो कि कम्प्लीटली अच्छा सोफा नहीं था, जो डर्टी था। उसके ऊपर किसी ने स्मोक किया है तो किसी ने ड्रिंक किया है। एनीवेज, विंग को फर्क नहीं पड़ता, तो वो वहाँ पर जाकर बैठ गया अपने हाथों में बियर के बॉटल लेके। टनल के अंदर म्यूजिक बज रहा था, जो बाहर भी आ रहा था। तभी विंग को फील हुआ कि कोई साइड में वॉमिटिंग कर रहा है। तो विंग ने सीजन को देखा, अगर ये जियांग चेंग होगा तो विंग उसे बहुत टीस करेगा, बहुत ब्लैकमेल करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली वो जियांग चेंग नहीं था, वो एक येलो हुडी पहना हुआ इंसान था। वो इंसान वॉमिटिंग करके विंग के पास सोफे में आकर बैठ गया। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, हे, तुम तो वो वुशियान और समथिंग। विंग ने कहा, वी वुशियान, क्यों, क्या बात है? उस इंसान ने कहा, सो तुम उस टॉल स्केयरी गाय का बॉयफ्रेंड हो? ये सुनकर विंग कुछ टाइम के लिए कंफ्यूज्ड हो गया। उसने कहा, क्या, टॉल स्केयरी गाय? ओ, तुम्हारा मतलब लांग वांग जी? ये बोलकर विंग हंसने लगा। उसने कहा, वेट, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ? उस इंसान ने कहा, मैंने तुम दोनों को कैंपस में देखा है एंड तुम दोनों को देखकर ऐसा ही लग रहा था। ये बोलते हुए वो इंसान टनल के अंदर चला गया। बट विंग वहाँ पर एक शॉक ठोकर बैठा रहा। वो सोच रहा था, हम दोनों को देखकर ऐसा लगता है, व्हाट द हेल। ये सोचते हुए विंग ने शाई किया। वो काउच में लींट हो गया एंड वो आसमान में स्टार्स को देखने लगा। बियर के बॉटल उसके स्टमक के ऊपर था। वो स्टार्स को देख रहा था एंड उस इंसान के बातों को सोच रहा था। वो सोच रहा था, लांगवांग जी का बॉयफ्रेंड बनना, ये आइडिया कितना रिडिक्यूलस है। I mean, वो दोनों लवर्स, ये आइडिया ही सच में बहुत रिडिक्यूलस है। बट कहीं ना कहीं विंग को लग रहा था कि ये दिखने में जितना रिडिक्यूलस लग रहा है, उतना रिडिक्यूलस ये है नहीं। विंग लंजा एंड उसके बीच में बीते हुए टाइम के बारे में सोचने लगा कि वो दोनों हमेशा ही कॉफ़ी शॉप में जाते हैं चाय पीने के लिए एंड कॉफ़ी पीने के लिए। तब विंग लंजा के अटेंशन पाने के लिए कितना कुछ करता है। कभी क्यूट बिहेव करता है, कभी विंग करता है, कभी पाउट करता है, सिर्फ एक बार लंजा के फेस में स्माइल देखने के लिए या फिर लंजा को इरिटेट करने के लिए, एटलीस्ट लंजा का अटेंशन पाने के लिए। देन विंग को याद आया कि जब वो ड्रंक था तब लंजा ने उसे संभाला था। सो बाहर से वो जितना दिखता है वैसा वो है नहीं, पर स्टिल उसका बॉयफ्रेंड बनने का ये आइडिया सच में रिडिक्यूलस है, क्योंकि लांगवांग जी उसे कभी पसंद नहीं करेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, विंग लंजा के बारे में ऐसा नहीं सोचता, वो तो बस उसका दोस्त बनना चाहता है। कहीं ना कहीं ये बात भी विंग को सही नहीं लग रहा था। वो ऐसा ही सोच रहा था तब उसे लगा कि कोई उसके पास में आकर बैठ गया है। तो उसने देखा तो वहाँ पर जियांग चेंग था। उसने कहा, ओ, तो तुम यहाँ पर हो। जियांग चेंग ने विंग की तरफ देखा और तुम्हें देख के तो लग रहा था कि तुम इस दुनिया में ही नहीं हो। ये सुनकर विंग ने कहा, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं नशे में हूँ तो तुम्हें गलत लग रहा है, मैं नशे में नहीं हूँ। ये सुनकर जियांग चेंग ने शाई किया। उसने कहा, शेम, मुझे हमेशा याद रहेगा कि जब तुमने फर्स्ट नशा किया था तब तुमने कैसा बिहेव किया था। ये सुनकर विंग ने जियांग चेंग के शोल्डर पे एक छोटा सा पंच किया। वो इसलिए जियांग चेंग के अगेंस्ट कोई सबूत ढूंढना चाहता है ताकि वो भी उसे ब्लैकमेल कर सके, जैसा जियांग चेंग उसे करता है। जियांग चेंग के पास विंग को ब्लैकमेल करने के लिए बहुत सारा तरीका है, बट विंग के पास कुछ भी नहीं है। ये बोलते हुए जियांग चेंग उठकर खड़ा हुआ। जियांग चेंग ने कहा,
आज का हमारा पार्टी कंप्लीट हुआ या नहीं, घर चले? विंग ने कहा, हाँ चलो घर चलो। ये बोलकर विंग ने शाई किया। ये फर्स्ट टाइम था जब विंग के लिए पार्टी इतनी जल्दी ख़त्म हो गया था। पार्टी अभी तक चल रहा था बट विंग के अंदर बहुत सारे सोच थे, बहुत सारे हेवी थॉट्स थे, तो उसके अभी पार्टी में जाने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था। उसका मूड चला गया था तो उसने शाई किया एंड बियर के बॉटल को नीचे रखा एंड फाइनली जेंचंग के साथ वो वहाँ से निकल गया। अभी ऑलरेडी मिडनाइट हो चुका था एंड वो दोनों कैंपस के अंदर आ रहे थे। वो दोनों उसी प्लेस को पास करके जा रहे थे जहाँ पर कुछ टाइम पहले लंजा को विंग ड्रंक हालत में मिला था सोते हुए। उस प्लेस को देखकर विंग को वो बात याद आ गई कि कैसे वो ड्रंक था, कैसे लंजा ने उसे संभाला था, लंजा उसका डिमांड पूरी कर रहा था, लंजा ने उसके लिए फ्रेंच फ्राइज भी लेकर आया था एंड लंजा को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो एक टॉप मॉडल हो। ये सोचते हुए विंग ने स्माइल किया। विंग सोच रहा था कि जब वो दोनों चिली फ्राइज के लिए गए थे तब विंग कितनी बातें कर रहा था, कितना रिएक्शन कर रहा था, बट लंजा एक्सप्रेशनलेस था। इससे पहले जब भी लंजा विंग को देखता था तब लंजा बहुत ही गुस्सा हो जाता था, बट अब लंजा गुस्सा नहीं करता, वो सिर्फ एक्सप्रेशनलेस होता है। एक्सप्रेशनलेस सबके लिए बट विंग के लिए नहीं, क्योंकि पता नहीं क्यों बट अब विंग लंजा का एक्सप्रेशन समझ सकता है, अब वो उन्हें नोटिस कर सकता है। अब विंग को रियलाइज हुआ कि शायद उसने लंजा के साथ कुछ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड कर लिया है जिस वजह से वो लंजा के हर एक एक्सप्रेशन को समझ सकता है। विंग को पता नहीं कि इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है और या फिर विंग को क्या समझना चाहिए। एनीवे यही सोचते हुए जेंगचंग एंड विंग घर चले गए। अब एक दिन फिर से लंजा एंड विंग कॉफ़ी शॉप में थे। विंग कॉफ़ी पी रहा था एंड लंजा चाय। जब लंजा चाय का सिप ले रहा था विंग ने कहा, तो लास्ट वीकेंड किसी ने मुझे कहा, किसी ने मुझसे पूछा टनल पार्टी में कि क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनते ही लंजा को ऐसे खांसी ही आ गया था, उसका ईयर्स रेड हो गए एंड वो शॉक्ड हो गया एंड वो लिटरली खांसने लगा, कंटिन्यू खांसने लगा। लंजा को देखकर ही समझ आ रहा था कि वो कितना शॉक्ड हो गया है। वो खांस रहा था एंड नैपकिन ढूंढ रहा था एंड विंग वहाँ पर चुपचाप लंजा के परफॉर्मेंस देख रहा था एंड एंजॉय कर रहा था। फाइनली कुछ टाइम बाद जब लंजा रुका तो विंग ने कंटिन्यू करते हुए कहा, तो मैंने उससे पूछा कि उसे ऐसा आइडिया कहाँ से आया। लंजा ने कहा, ये सुनकर विंग ने अपना फ़ोन निकाला एंड फिर से स्पेयर शीट में इसे काउंट कर लिया। ये देखे लंजा ने कुछ सेकंड के लिए ग्लेयर किया बट देन फिर से अपने पुराने एक्सप्रेशन में वापस चला गया। ये चीज़ विंग ने नोटिस किया। अब विंग लंजा के वेरी टाइनी एक्सप्रेशन को भी समझ सकता है, बट विंग को पता है कि लंजा जानबूझकर रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि लंजा जानता है कि विंग लंजा के रिएक्शन पाने के लिए ये सब करता है एंड वो जानबूझ के विंग के साथ प्ले नहीं करता। ये सोचते हुए विंग सोच रहा था लंजा कितना बोरिंग है। एनीवेज विंग ने कहा, हाँ तो उसने कहा कि उसने हम दोनों को कैंपस में देखा है एंड हम दोनों के बिहेवियर से उसे लगा कि हम दोनों you know। ये बोल के विंग चुप हो गया। लंजा के ईयर्स फिर से रेड हो गए, वो फिर से नर्वस दिखने लगा। ये देख के विंग ने पूछा, तो लंजा क्या सोचते हो, बॉयफ्रेंड? लंजा ने कहा, बिल्कुल नहीं। ये सुन के विंग टेबल के ऊपर लीन्ड हुआ एंड उसने विंक किया एंड वो अपने हेयर के साथ प्ले करने लगा, क्योंकि वो लंजा को और भी इरिटेट करना चाहता था। तो उसने कहा, बट सोचो लंजा, हम दोनों एक साथ कितने गॉर्जियस दिखेंगे। ये सुनकर लंजा का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, पर उसके ईयर्स अब पिंक हो गए थे। विंग को पता है कि अंदर ही अंदर लंजा भी उसके बारे में सोच रहा है, वो उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा है बट वो कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। लंजा के नर्वस फेस या फिर उसके पिंक ईयर्स विंग के लिए काफ़ी नहीं है, उसे कोई ज़बरदस्त रिएक्शन चाहिए था। तो विंग ने कुछ सोचे भी नहीं एक स्टेप आगे ले लिया। वो सडनली लंजा की तरफ लीन्ड हो गया एंड अपने हाथ को आगे बढ़ाया लंजा के बटन को खोलने के लिए। ये देख के लंजा शॉक्ड हो गया। इससे पहले विंग लंजा के बटन को टच कर पाता लंजा ने विंग के हाथों को पकड़ लिया। विंग के हाथ बिल्कुल लंजा के चेस्ट के सामने था। विंग अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था बट लंजा ने विंग को टाइटली पकड़ लिया। ये देख के विंग ने टीस करते हुए कहा, लंजा हाथ पकड़ने का तरीका ऐसा नहीं है। ये सुनते ही लंजा ने विंग के हाथों को छोड़ दिया एंड विंग को फील हुआ कि आज उसने इनफ टीस कर लिया है, अब बहुत हुआ। तो फाइनली वो हंसते हुए अपने चेयर में जाकर वापस बैठ गया। देन विंग ने कहा, लंजा लंजा, कुछ सेकंड के लिए तुम बहुत ही शॉक्ड दिख रहे थे, क्या तुम्हें पता भी है? लंजा ने कहा,
विंग ने फिर से नोट कर लिया। देन विंग फिर से टेबल के ऊपर लीन्ड हुआ एंड लंजा को मिमिक करते हुए कहा, लंजा तुम कितने सीरियस हो? लंजा ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, बल्कि उसने अपने बैग से एक बुक निकाला एंड टेबल के ऊपर जोर से रखा। ये देख के विंग ने कहा, तुमने इसे इसलिए निकाला ताकि तुम इससे मुझे मार सको एंड मेरे सिर तोड़ सको? लंजा ने कहा, मैंने इसे इसलिए निकाला ताकि मैं तुम्हारे एग्जिस्टेंस को इग्नोर कर सकूं। ये वक्त लंजा ने बुक ओपन किया एंड वो बुक को पढ़ने लगा। ये देख के विंग ने पाउट किया एंड कॉफी शॉप में बाकी टाइम लंजा से पढ़ने लगा एंड विंग लंजा को परेशान करने लगा। कई वो नैपकिन को फाड़ रहा था एंड लंजा के पेज के ऊपर फेंक रहा था, कई वो लंजा को पोकिंग कर रहा था। वो जानता है कि ये सब चीज़ें चाइल्डिश है, बट फिर भी वो इग्नोर होना पसंद नहीं करता, स्पेशली लंजा से। जब विंग लंजा को इरिटेट करने के लिए उसके बुक के ऊपर नैपकिंस को फेंक रहा था, लंजा उन्हें कुछ बोले भी नहीं हटा भी रहा था, बट विंग को लगा कि विंग ने लंजा के फेस में एक टाइनी स्माइल देखा है, वो भी एक बार नहीं बहुत बार। ये देख के विंग को बहुत अच्छा लगा, वो बहुत हैप्पी हो गया एंड कॉफ़ी शॉप में उनका बाकी टाइम ऐसे ही बीत गया। अब एक दिन विंग ने जियांगचंग को कुछ ऐसा कहा कि जियांगचंग शॉक्ड हो गया, क्योंकि विंग ने कहा था कि वो लंजा के साथ आज पढ़ने जाएगा उसके घर में। ये सुन के जियांगचंग शॉक्ड हो गया था, उसे बिलीव नहीं हो रहा था। उसने कहा, क्या तुमने अभी भी ये कहा कि तुम लांगवांग जी के साथ पढ़ने जाओगे? विंग ने कहा, हाँ तो क्या हुआ, अभी हम दोनों दोस्त हैं एंड बाय द वे मैं बेट जीत गया हूँ। ये बोलकर विंग ने अपने चेस्ट के सामने अपने आर्म्स को क्रॉस किया और कहा, तो अगर हम दोस्त हैं तो हम एक साथ पढ़ क्यों नहीं सकते? जियांगचंग ने कहा, अरे मुझे कोई डाउट नहीं है कि तुम दोनों दोस्त हो या फिर तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी है। ये सुनके विंग ने कहा, हे। जियांगचंग ने कहा, बट मैं इसलिए शॉक्ड हूँ कि तुमने कहा कि तुम पढ़ने जाओगे, आई मीन वी वुशियन, तुम पढ़ते भी हो? ये बोल के जियांगचंग हंसने लगा। जियांगचंग ने कहा, मैं खुद देखे बिना ये बिलीव नहीं करूँगा। विंग ने कहा, जियांगचंग मुझे ये बताओ कि लास्ट एग्जाम में तुम्हारा नंबर कितना था? जितना मुझे याद है कि मेरा नंबर तुमसे ज़्यादा ही था। ये सुन के जियांगचंग का हंसता हुआ फेस सीरियस फेस में बदल गया एंड विंग को रियलाइज़ हुआ कि ये एटमोसफियर अब चेंज हो गया है, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो उसने कहा, सॉरी। विंग जानता है कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि उसे पता है कि नंबर अच्छा करने के लिए जियांगचंग बहुत हार्डवर्क करता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके ऊपर बहुत प्रेशर डालते हैं। ये जियांगचंग की गलती नहीं है कि विंग ज़्यादा एफर्ट दिए बिना ही इतना अच्छा नंबर कर लेता है, जियांगचंग भी कोशिश करता है। तो विंग के सॉरी सुनकर जियांगचंग ने शाय किया। विंग ने कहा, वेल एनीवेज मैं अपने साथ बुक लेकर जा रहा हूँ, तब तो तुम्हें बिलीव होगा ना? ये बोल के विंग ने अपने साथ कुछ बुक्स लिया एंड जियांगचंग के सामने उस बुक को वेव किया। ये देख के जियांगचंग ने कहा, तुम्हारे पास बुक भी है? मुझे तो पता नहीं था। विभीषण ने कहा, मैं पढ़ता भी हूँ जियांगचंग, बट ओकेशनली। जियांगचंग ने कहा, हाँ हाँ। विंग ने कहा, या फिर ये भी तो हो सकता है कि मैं तुम्हारे कॉन्स्टेंट मॉकिंग से परेशान हो गया हूँ, इसलिए मैं तब पढ़ता हूँ जब तुम सामने नहीं होते हो, जैसे कि अभी लांगवांग जी के साथ। जियांगचंग ने कहा, हाँ आई एम श्योर कि जब मैं नहीं रहता तब तुम लांगवांग जी के साथ पढ़ाई के अलावा और भी बहुत कुछ करते हो। ये सुनकर विंग ने जियांगचंग को एक लुक दिया और कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। जियांगचंग ने कहा, हाँ हाँ ऑफकोर्स। देन विंग ने ड्रामा करते हुए कहा, जियांगचंग कभी कभी मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही चिंता होता है, बहुत ही वॉरिड फील करता हूँ। जियांगचंग ने कहा, मेरे लिए वॉरिड फील करते हो? क्यों? विंग ने शाय किया और कहा, क्योंकि तुम बहुत ही फेक इमेजिनेशन करते हो, तुम वो चीज़ें इमेजिन करते हो जो इम्पॉसिबल होता है, एंड तुम अच्छे से जानते हो कि इस वजह से मैं तुम्हारा मर्डर भी कर सकता हूँ, बट स्टिल तुम ऐसे रिडिक्यूलस इमेजिनेशन करते हो। ये बोलकर विंग ने स्माइल किया और कहा, सो रुक जाओ वरना तुम्हारा मौत हो जाएगा, वो भी मेरे हाथों में। ये सुन के जियांगचंग हंसते हुए अपने रूम पे चला गया एंड दरवाज़ा बंद कर दिया। विंग ने भी शाय किया। देन उसे याद आया कि उसने अभी अभी रिडिक्यूलस इमेजिनेशन कहा, बट वो ऐसे लंजे की तरह बात कब से करने लगा है? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उस दिन उस योलो वाले मैन ने कहा कि लंजा एंड उसे देखकर कपल लगता है, एंड अब जियांगचंग क्या पूरा वर्ल्ड पागल हो गया है? यही सोचते हुए विंग भी घर से निकल गया लंजा के घर के लिए। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? ज़रूर बताना
मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।